ब्रेकिंग खबर। लखनऊ सात्तगंज थाना क्षेत्र के कटरा विजन बेग में बुधवार को गुड़िया नामक विवाहिता के फांसी लगाए जाने के मामले में गुरुवार को पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे गुड़िया के मायके वालों ने पति दीपक पर लगाया गुड़िया की हत्या किए जाने का आरोप। पीड़ित परिवार ने पति के खिलाफ में दी तहरीर। परिवार का कहना है कि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मायके वालों का आरोप लगातार दहेज के लिए पति करता था। प्रताड़ित पका रही गई इस तरह सही हुसैन पांच न्यूज। हमको भेज देना, हम भेजे। क्या नाम है आपको? अब मृतक की माता जी हैं, दो बेटियां हैं, एक कमांडारी से, वही है आपका। हमारा सुदेवी नाम है। क्या हुआ मामला, कुछ बताइए। मामला हुआ है मार के, और लड़की को बड़ी वाली को बाहर भेज दिया, और बट छोटी को वहाँ टीवी चला के उसका बैठा दी ने अपना फतरी लगा दी उसे। हमारी बहन को छोड़ गया घर पर खुदे, और घर पर हुआ सब दारू पिए थे के चाचा का लड़का, इनके चाची कितने खानदानी है, सब दारू पिए थे घर में बैठ के, स्टेटस पर वीडियो लगावत रहे कि देखो हम दारू पी रहे, प्यार है सब भी है इनका चाची का लड़का, इनके चाची वाली पर बात के इनका घर, हमारी बहन का मारे खात वही लोगन का है, इनका छोड़ा ना है कौन काम, वही दीपक का लड़का फांसी में लगता तुमको छोड़ ना जाए, दीपक का फांसी होनी चाहिए। हां इनकी चाची तो जो कराएंगे ना चाची का लड़का सब दारू पिए थे, बीआर पिए थे, स्टेटस पर लगावत रहे कि देख लो पी रहे दारू घर पर, बीआर पी रहे। हम लोग बस फोन में टच वाला वही देखा है, कहा था तुम लोग बदमाश रहे घर में, संता उनका चाहिए, इंसाफ चाहिए। चाचा लड़का आकाश ना है, आकाश बिकार नहीं। जैसे कि ये बताया, जैसे कि ये पता चला है कि वो लड़की ने खुद फांसी लगाई है, किसी ने फोन नहीं किया है घर के, किसी ने बाहरी ने फोन किया है, बाहरी फोन करी ने अपना नहीं फोन करी, सिखा पकड़ी लगाई का टूटी चले गए बिटिया, सिखा दिन की यो कर दिया बिटिया, मार कर कटक रही है, चले गए कैसे ही का पता है, अपने साइन दिले घरवालों को बुला करके फेंक दी हाथी लटका लटका। कितने साल शादी की हुए थे? अभी 8 साल हुए, 8 साल लगे। इससे पहले भी कुछ झगड़ा होता था? दहेज वापस कह रहे, और नासिर के पास आए, नासिर है वहाँ के पास आए, हम कह भैया इसको समझाओ, समझाए हम कह स्टैम्प पेपर लाओ। क्या नाम है आपका? क्या कुछ घटना हुई जरा बताइए। हमारे पास 12 बजे करीब आसपास फोन गया घर से हमारे, तो वहाँ से हम आए, उसके बाद में जैसे यहाँ घर पे आए, घर पे ताला लगा था, उसके बाद में वहाँ पुलिस वाले आए, बोले कि मिट्टी चली गई पोस्टमार्टम वहाँ से, तो वहाँ से जब यहाँ पे आए फिर पोस्टमार्टम, तो यहाँ पर हमको अंदर जाने दिए, बोले फिर जाओ चौकी पे जाओ, चौकी पे जब हमारा वो दीपक मिला उसकी तरफ हम बढ़े, तो पुलिस वाले हमको रोक रहे, कह रहे हैं कि आप यहाँ से हाथ मत लगाओ, और नहीं उनको फाट डालेंगे, हमको कह रहे हैं। तो और कुछ क्या घटना हुई अभी, क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई? अभी तो कुछ नहीं मिला है, ना उनके घर वाले कोई आए, चौकी से कोई सुनवाई हो रही है। क्या ये घटना है, इसको किस तरह का घटना आप देख रहे हैं इसको? अरे वो मर्डर हुआ है, हमारी बहन को मार के लटका दिया, वो फरार हो गया, मोहल्ले वाले भी साथ दे रहे। कैसे पहले भी कुछ होता था झगड़ा? पहले भी एक दो बार झगड़ा हुआ कि तहत का सामान तक घर पे छोड़ गया रात में। अच्छा, तभी भी समझाया बुझाया कि आपस में हम लोग समझदार है इसलिए समझ रहे। आप मृतक के कौन है? जी भाई। अच्छा, और ये जो है? अच्छा, और क्या पूरा मामला है, पुलिस ने क्या कार्रवाई की उसके ऊपर? अभी तो कार्रवाई कुछ नहीं किया, उसको थाने लेके चले गए, उसके बाद रात में उसको छोड़ दिया फिर। अच्छा, जमानत पे। किस लिए छोड़ा है कुछ बताया? ये नहीं बताया कि उसमें मिला कि वहाँ के लोग बताए तो छोड़ दिया है, वहाँ से पुलिस वाले कुछ बताते भी नहीं हम लोग को। अच्छा, वहाँ में कोई सुनवाई नहीं। तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अगर आती है तो उस पर आगे की कार्रवाई आपकी क्या होगी? कार्रवाई हमारी बहन को मर्डर किया, कम से कम उनको सजा मिलनी चाहिए, नहीं चाहिए, दो छोटी छोटी बच्ची हैं। अच्छा, कितने साल शादी के हो गए थे? अरे 8 साल हो गए। क्या उम्र होगी उनकी? अरे उम्र अच्छा, क्या नाम था उनका? गुड़िया। पुकारने का नाम उसका, और आपके उनके शौहर का? दीपक।